नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रोहतास जिला के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, रोहतास जिला भारत देश के बिहार राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय सासाराम है। दोस्तों, सासाराम शहर बहुत ही प्राचीन शहर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रोहतास जिला के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। नंबर वन, शेरशाह सूरी मकबरा। दोस्तों, शेरशाह सूरी टॉम रोहतास जिला के मुख्यालय सासाराम में स्थित है। यह टॉम बिहार के पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था। यह मकबरा ताजमहल से भी बड़ा और 13 फीट ऊंचा है। पूरे भारत वर्ष में इस तरह का मकबरा कहीं भी नहीं है। इस मकबरे के चारों ओर पत्थरों की बनी सीढ़ियाँ है जो तालाब के नीचे तक ले जाती है। इस मकबरे के ऊपरी हिस्से में जो बरामदा है उसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। इस मकबरे के चारों कोने में 8 भुजाएं वाले 4 गुंबज है। नंबर सेकेंड, हसन शाह सूरी टॉम। यह मकबरा शेरशाह के पिता हसन खां सूरी के याद में बनाया गया था। यह मकबरा शेरशाह सूरी मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मकबरा शेरशाह की जैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें पानी है और इसमें पानी नहीं है, इसीलिए इस मकबरे को सूखा रोजा भी कहा जाता है। थर्ड, माँ तारा चंडी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर सासाराम से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर एक वर्ष करोड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। नंबर फोर, धुआ कुंड एवं सीता कुंड। दोस्तों, धुआ कुंड और सीता कुंड दोनों ही नेचुरल वाटरफॉल है। बरसात में के दिनों में यहाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ का झरना लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। अगर आप भी नेचुरल वाटरफॉल का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ का आनंद लें। नंबर फिफ्थ, पायलट बाबा टेम्पल। दोस्तों, पायलट बाबा को कौन कौन नहीं जानता है। पायलट बाबा एक पायलट थे, परंतु अब वे साधु संत हैं। उनका जन्म सासाराम में हुआ था। पायलट बाबा ने सासाराम में काफ़ी बड़ा आश्रम बनाया है जिसमें भगवान शिव का सबसे बड़ा प्रतिमा है और भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिमा है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको SP जैन कॉलेज मोड़ आना होगा, उसके बाद यहाँ उसके बगल में आप आ सकते हैं। नंबर सिक्स, रोहतासगढ़ किला। दोस्तों, ये किला सासाराम से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यह किला शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दोस्तों, रोहतासगढ़ झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं और सोन नदी में मिल जाते हैं। रोहतासगढ़ में आकर आप कई स्थलों को एक साथ देखने का आनंद उठा सकते हैं और कई आश्रम देख सकते हैं। यह स्थान पर्यटकों के लिए बहुत ही रोचक स्थल है। दोस्तों, लेकिन बिहार सरकार इसके ऊपर तनिक सा भी ध्यान नहीं दे रही है। नंबर सेवन, तुतला फानी वाटरफॉल। दोस्तों, यह वाटरफॉल रोहतास जिले के तिलौथू में स्थित है। दोस्तों, यह बिहार का मनोरम प्राकृतिक जगहों में से एक है। दोस्तों, यहां पर मंदिर के परिसर में जाने के लिए झूला पुल बनाया गया है जो कि पर्यटकों स्थल को काफ़ी आकर्षक बनाता है। यहां पर बरसात के दिनों में गजब का वाटरफॉल देखने को मिलता है। नंबर एट, दुर्गावती डैम। दोस्तों, दुर्गावती डैम को करमचट डैम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये डैम सासाराम के पास है। दोस्तों, यहाँ पर लोग खासकर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी शुद्ध और मनमोहक है। अगर आप भी पिकनिक मनाने का शौकीन है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर जाएं। नंबर नाइन, इंद्रपुरी डैम। दोस्तों, यह डैम दुनिया का चौथा सबसे लंबा बराज है। इस डैम को सोन बराज भी कहा जाता है। यह डैम रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के इंद्रपुरी में सोन नदी पर स्थित है। दोस्तों, यह जगह भी पिकनिक स्पॉट में से एक है। दोस्तों, न्यू ईयर पर यहाँ पर लाखों की तादाद में पिकनिक मनाने के लोग आते हैं। अगर आप भी पिकनिक मनाने के शौकीन हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए। नंबर टेन, गुप्ता धाम। कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम की बात ही अलग है। यहाँ पर भगवान शिव भस्मासुर के डर के कारण छिपे थे। इस पहाड़ी पर काफ़ी सारी गुफा भी है जो कि देखने में काफ़ी अद्भुत और शानदार लगता है। गुप्ता धाम को गुप्तेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह सासाराम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सावन और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।